हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हरियाणा सीईटी के लिए, जिसके अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, जो कि रहेगा एसिड बेस एंड सोल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि तीनों ही टॉपिक को हम खत्म कर दें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो देखते हैं, आई विल ट्राई कि क्लास थोड़ी लंबी रहे बट ये टॉपिक खत्म हो जाए, राइट? चलिए, तो आज की क्लास में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, एंड देन आप जानते हैं कल क्या होगा। कल इसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो आर यू ऑल रेडी स्टूडेंट्स? ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है। एनसीईआरटी सीरीज की मैं सोच रही हूँ एक लाइव क्लास लेके आप लोगों से क्लियर कर लेती हूँ कि एनसीईआरटी सीरीज किस हिसाब से लगाई जाए। एक्चुअली मुझे डाउट है कि देखो, एनसीईआरटी बुक आप जानते हो, या तो इंग्लिश मीडियम आती है या हिंदी मीडियम में आती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो बाइलिंगुअल कैसे करवाऊँ। या तो मैं इंग्लिश मीडियम करवाऊँ और उसमें हिंदी आपको साथ साथ में बताऊँ, या मैं हिंदी मीडियम करवाऊँ इंग्लिश आपको साथ साथ में बताऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा। मैं सोच रही हूँ 6th से लेके 12th की आपको एनसीईआरटी करवा दूँ। क्लास 6th की जो एनसीईआरटी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर करवाने को कुछ भी नहीं है। हो सकता है मैं 2-3 क्लास में पूरी एनसीईआरटी खत्म करवा दूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि चैप्टर तो बड़े बड़े हैं, 4-5 पेजेस के चैप्टर हैं, बट उसमें करने की चीजें सिर्फ 5-6 ही है। तो 6th की जो एनसीईआरटी है वो हम थोड़ी जल्दी कवर कर लेंगे, और आगे की एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड आपको वर्ड टू वर्ड तो नहीं करवाऊंगी ऑब्वियसली, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं इकट्ठी हर एक चैप्टर की पर्टिकुलर करवा दूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं आप लोगों की कैसी डिमांड आती है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एसएससी जीडी की आपको अलग से पूरी सीरीज की क्लास मिल जाएगी। हमने अभी तक 4-5 क्लासेस आई थिंक की है, जिसमें हमने एसएससी जीडी के क्वेश्चन आंसर देखे हैं, बट एक पूरी कंबाइंड क्लास देने वाली हूँ जिसमें सारे के सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और रेलवे सीरीज को भी जल्द ही दोबारा से शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। अभी आपको दिन में एक क्लास मिलती है, बट वी नेवर नो, आगे आपको एक दिन में 2 क्लासेस भी मिले, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे ना, मतलब आप पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे नहीं तो फिर मेरा करवाने का फायदा क्या है, तो मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस बार सीईटी क्रैक हो जाए, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से गारंटी है आप लोग मेहनत करोगे ये 2 महीने तो आपका डेफिनेटली क्रैक होगा। ठीक है, तो जितने भी वैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं, और बस लग जाओ लाइन में। ठीक है, हमें पेपर क्लियर करना है। चलिए, अब बहुत ज्यादा टाइम मैंने आप लोगों का खा लिया, वेस्ट तो नहीं होंगी। ठीक है, बट चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में। तो आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा ये, यस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट आर इंडिकेटर्स? ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो, शॉर्ट फॉर्म में करवाना है, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे। स्कूटी, बाइक, गाड़ी सबने चलाई होगी, चलाई नहीं तो चलाते हुए देखा होगा। ठीक है, वैसे तो डेफिनेटली किसी ने सबने चलाई होगी, इवन चलो ठीक है चलाई नहीं हुई, साइकिल चलाई है, ठीक है, साइकिल भी नहीं चलाई, पीछे बैठे हो किसी व्हीकल में, बस इतना ही बहुत है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि जब हमें राइट लेफ्ट मुड़ना होता है तो एक हम लाइट ऑन करते हैं, ठीक है, वो इंडिकेटर होता है। उसी तरीके से क्या होता है, जनरली क्या होता है, राइट जाना है वो बंदा ऐसे हाथ कर देगा, पीछे वाले को पता लग जाएगा मुझे राइट पे जाना है, लेफ्ट जाना है हाथ कर देगा, पीछे वाले को पता लग जाएगा लेफ्ट पे जाना है। ये हाथ करना भी क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर है, हम पीछे वाले बंदे को बताना चाहते हैं कि हमें राइट या लेफ्ट जाना है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपना व्हीकल चलाए। ठीक है, तो उसी तरीके से स्टूडेंट केमिस्ट्री में इंडिकेटर क्या होते हैं, देखो हमारी जनरल लाइफ में वो हमें राइट लेफ्ट बताते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इंडिकेटर हमें बताते हैं कि कोई चीज वो एसिड है या बेस है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको पानी दे दिया पीने के लिए, या मैंने आपको कोई एक चीज दे दी गिलास में डाल के, मैंने बोला बताओ मुझे ये एसिड है बेस है सोल्ट है, तो आप क्या उसको पीने लग जाओगे? भगवान ना करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो क्या बनेगा आपका, बताओ, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम टेस्ट करके या अपनी फिंगर डिप करके या उसको सूंघ के, क्योंकि एसिड से तो पेपर भी बहुत खराब निकलते हैं, बहुत डेंजरस हार्मफुल पेपर्स निकलते हैं एसिड से, ठीक है, जो उसके अंदर से वाष्प निकलता है ना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है आप लोगों के लिए, तो कभी भी सूंघ के भी हम नहीं पहचान सकते। ठीक है, टेस्ट तो करने की दूर की बात आती है, उंगली डबोगे उंगली जल जाएगी एसिड में, तो हम जो है नहीं पहचान सकते देख के सूंघ के या अपनी सेंसेस के द्वारा कि कोई चीज एसिड है या बेस है, तो कैसे पहचाने? तो केमिस्ट्री ने हमें सॉल्यूशन दिया, केमिस्ट्री ने बोला मैं हूं ना, साइंटिस्ट ने बोला मैं हूं ना, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो चीज है इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी सूचक वो चीज होती है जो कि हमें बताए कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, सूचक पदार्थ है जो रंग परिवर्तन के द्वारा विलयन के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को इंगित करते हैं, यानी वो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब सूचक कई टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल जो भी हमें प्रकृति में मिले हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं,
ठीक है। तो और तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी, जो सूंघने में मदद करते हैं, ठीक है, जो सूंघ के बताते हैं। चलिए इतने डिटेल में आपको जाना नहीं है। फिलहाल देखिए पहला आता है लिटमस। लिटमस सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है लिटमस कहाँ से मिलता है, तो एक प्लांट होता है जिसे बोलते हैं लाइकन। क्या बोलते हैं, प्लांट नहीं बोलूंगी मैं, एक तरीके की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। देखो क्या होता है, आप एल्गी के बारे में जानते हो, आप फंगाई के बारे में जानते हो, यानी कवक और शैवाल के बारे में जानते हो। जब शैवाल और कवक मिलकर इकट्ठे रहने लगे ना, तो बनता है लाइकन। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं पुराने, मतलब जो अगर आप हिमालय वगैरह की तरफ जाओगे, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों पे जाओगे, तो वहां पे देखोगे पहाड़ों के ऊपर ना हरे रंग की परत होती है, वो कुछ और नहीं, वो स्टूडेंट लाइकन ही होता है। ठीक है, उस लाइकन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब लिटमस जो होता है उसके बारे में बात करूं, लिटमस पेपर अलग है और लिटमस का घोल अलग है। तो क्वेश्चन आता है कि लिटमस के घोल का रंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। लिटमस के घोल का रंग जो होता है वो पर्पल होता है, ठीक है, यानी बैंगनी होता है, कई बार वॉयलेट भी लिखा होता है, लेकिन पर्पल आपको याद रखना है। लिटमस के घोल का रंग पर्पल होता है, लेकिन लिटमस पेपर अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर आपको किस रंग के होते हैं आपके कोई काम के नहीं है, लिटमस का घोल पर्पल कलर का होता है, याद रहेगी। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, जब जब हम लिटमस पेपर को किसी एसिड में डुबोते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, आपके हाथ में ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का एक कागज है, वो लिटमस पेपर होता है, उसको आपने एसिड में डुबोया, अगर वो लाल हो गया, मतलब आपने किसी सॉल्यूशन में डुबोया, आपने जानते ही क्या है, अगर उसमें डुबोने से वो लाल हो गया, यानी कि आपका ये सॉल्यूशन एसिड है। अगर वो नीला ही रहता है, यानी कि ये सॉल्यूशन या तो बेस है या फिर न्यूट्रल है, यानी इसका कोई भी मतलब क्या कहते हैं उसे, तटस्थ है। ठीक है, तटस्थ है। उसी तरीके से बेसिक में क्या होता है, बेसिक में रेड टू ब्लू हो जाता है। तो आपको याद रखना है, एसिड ब्लू को रेड करता है और बेसिक रेड को ब्लू कर देता है। सीधी सी बात है, बी यानी बेसिक और बी यानी ब्लू, तो बेस में ब्लू होता है बस। अगला आता है मिथाइल ऑरेंज। ये लैब में बनाया गया है। मिथाइल ऑरेंज खुद कौन से कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, नाम भी पता लग रहा है। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड डाला जाता है, ये रेड हो जाता है, यानी सीधी सी बात है, एक गिलास है, एक इस गिलास में हमें नहीं पता क्या पड़ा था, मुझे नहीं पता इस गिलास में क्या पड़ा था, कोई चीज पड़ी थी, मैंने इसमें मिथाइल ऑरेंज डाला, अगर मिथाइल ऑरेंज डालते ही ये लाल रंग का हो गया, मतलब ये चीज एसिड थी, अगर ये पीले रंग का हो गया यानी येलो हो गया, तो ये बेस। ठीक है, बस सिंपल। इसी तरीके से एक होता है फिनोक्थलीन। फिनोक्थलीन भी आर्टिफिशियल होता है, लैब में तैयार किया जाता है, गुलाबी रंग का होता है ये, ठीक है, सॉरी कलरलेस होता है ये, यानी रंगहीन होता है। ठीक है, एसिड के अंदर ये कलरलेस ही रहता है, यानी इसका कोई कलर नहीं बदलता, कलरलेस का कलरलेस रहता है, और बेस के अंदर ये पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ ऐसे कौन से इंडिकेटर है जो हमें बेस के बारे में तो बता सकते हैं लेकिन एसिड के बारे में नहीं बता सकते, क्या मतलब है इस बात का। ये आपका गिलास है, इसमें कुछ पड़ा है, ठीक है, आपने इसमें फिनोक्थलीन डाला, मान लीजिए कलरलेस फिनोक्थलीन आपने डाला था, अभी भी ये कलरलेस ही रह गया, तो अब आप कंफ्यूज हो कि भाई ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है या एसिडिक है, हो गए ना कंफ्यूज, तो ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं। चलो अब टोटल इंडिकेटर देख लेते हैं। पहला आता है रेड लिटमस पेपर, अगर होता है आपके पास, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर, ये अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो रेड लिटमस पेपर खुद कौन से रंग का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है, और एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा, बेस में वो ब्लू हो जाएगा। अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो वो ब्लू कलर का ही होगा और एसिड के अंदर वो रेड हो जाएगा और बेस के अंदर उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आएगा। हल्दी यानी टर्मरिक की बात करें तो आप जानते हो, अगर शर्ट पे या कहीं पे हल्दी का दाग लग जाए, हल्दी येलो रंग की होती है, तो अगर उसमें हम साबुन लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, दाग जो होता है वो भूरा पड़ जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, क्यों, क्योंकि साबुन में बेस होता है, तो बेस रेडिश ब्राउन करता है और एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड कैबेज जूस, अब आप सोचोगे रेड कैबेज मतलब लाल पत्ता गोभी आती है, नहीं बिल्कुल नहीं, पर्पल रंग की पत्ता गोभी होती है, नाम इसको रेड दे दिया, पर्पल रंग की एक पत्ता गोभी होती है जो कि किस कलर की होगी, पर्पल कलर की होगी, दिखा दूं आप लोगों को एक बार रेड कैबेज, जस्ट अ मिनट, रेड कैबेज दिखा देती हूं मैं आप लोगों को, यस ये देख पा रहे हैं आप, ये है हमारी रेड कैबेज, तो ये पर्पल रंग की दिख रही है, तो इसका जो जूस निकलेगा ये भी पर्पल कलर का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं हम, तो रेड कैबेज जो होती है वो पर्पल रंग की होती है, एसिड में वो रेड हो जाती है और बेस में वो ग्रीनिश येलो हो जाती है, हरी पीली हो जाती है। फिनोक्थलीन की बात करें तो खुद कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस, बेस में पिंक हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में रेड और बेस में येलो। इसके बाद आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी स्मेल वाले, तो अनियन के अंदर एक खुशबू होती है, आप जानते हो खुशबू, मान लीजिए किसी को खुशबू लगती है, किसी को बदबू लगती है, दैट डिपेंड ऑन यू, लेकिन अनियन के अंदर एक बहुत तेज स्मेल आती है।
तो एसिड के अंदर वो स्मेल वैसी की वैसी रहती है, लेकिन बेस डालते ही स्मेल गायब हो जाती है। अब सीधी सी बात है, हाथ में मान लीजिए मैंने प्याज काटे, प्याज काटने से मेरे हाथ में प्याज की स्मेल हो जाएगी, बिल्कुल आप जानते हो लेडी जब प्याज काटती है, कोई भी जना अगर प्याज काटता है तो उसके हाथ में प्याज की स्मेल हो जाती है, लेकिन उन हाथों को हमने साबुन से धो लिया तो स्मेल गायब हो जाती है। साबुन में क्या होता है, बेस सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से वेनिला का भी एसेंस आता है जिसमें खुशबू होती है, तो एसिड वो कोई चेंज नहीं करता लेकिन बेस की स्मेल चली जाती है। सीधी बात है, हाथ पे अगर वेनिला लग जाए तो उसे धो दो, स्मेल गायब हो जाएगी, यानी बेस स्मेल को गायब कर देता है। एसिड से तो आप धोओगे नहीं, है ना, पता लगेगा हाथ ही गायब हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये थे हमारे इंडिकेटर, अब चलते हैं एसिड्स के ऊपर, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, एसिड्स होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एसिड को टेस्ट करने देख लो कि यार ये खट्टा है नहीं है, आपके हाथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिले और आप खट्टा देखने लगो, बिल्कुल नहीं। एसिड जनरली खट्टे होते हैं, सारे के सारे नहीं, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर आते हैं एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो एसिड वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसके अंदर अगली लाइन ही है, हाइड्रोजन आयन हो, H+ आयन को हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। तो जिस भी चीज के अंदर H+ आयन है वो एसिड होता है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कौन पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है ना, सही बात है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या फिर मैं बोलूं आयन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। अब जब हमारे एसिड में H+ आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी। तो बस आपको याद रखना है एसिड की चार बातें, एसिड खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, एसिड जो होते हैं वो बिजली के संवाहक होते हैं यानी बिजली कंडक्ट करते हैं, और इनके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है। क्लियर है आप लोगों को, बताओ ये बात, ठीक है। चलिए एसिड के एग्जांपल क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब एसिड के एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ज्यादातर रट्टे वाले चैप्टर है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करते हैं, तो देखो आपको बस छोटी छोटी मोटी मोटी बातें याद करनी है, मैं वो बता रही हूँ। जब जब एसिड में मेटल डलता है, मेटल यानी कि कोई भी मेटल डाल दो यार, मैग्नीशियम डाल दो, कैल्शियम डाल दो, जिंक डाल दो, कॉपर डाल दो, ठीक है, और कोई भी डाल दो, स्कैंडियम डाल दो, टाइटेनियम डाल दो, वेनेडियम डाल दो, कोई भी मेटल जब एसिड में डलता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म, जब एक अमल में धातु डलता है तो क्या बनता है, आपको पता होनी चाहिए हाइड्रोजन गैस बनती है। आपको क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनती है, बस इतनी बात याद रखनी है, डिग्री आपको हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। सोल्ट के बारे में कोई जरूरी नहीं है आपको याद रखना। उसके बाद आता है जब भी एसिड के अंदर मेटल कार्बोनेट डलता है, क्या डलता है, मेटल कार्बोनेट यानी मेटल और कार्बन का कंपाउंड जो डलता है तो हमेशा क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये याद रखना है। अब ये तो इजी है, देखो कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आती है जब जब एसिड के अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट डलता है, यानी कि देखो कार्बोनेट क्या होता है, CO3, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3। जब जब डलता है तो अगेन अब कार्बोनेट आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। आगे बढ़ते हैं, जब जब मेटल ऑक्साइड डलती है एसिड के अंदर या हाइड्रोक्साइड डलती है यानी कि ऑक्सीजन वाला या OH वाला डलता है, तब क्या बनता है, तो पानी बनता है, यानी कि सीधी सी बात है, जो मेटल ऑक्साइड होती है ना स्टूडेंट्स, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड होती है और जो मेटल ऑक्साइड होती है, दोनों बेसिक होती है, और एसिड में जब जब बेस मिलेगा तो सोल्ट और पानी मिलेगा। ये बात हमें आगे डिस्कस करनी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी तटस्थीकरण प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे आते हैं, एसिड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पानी में डलते ही अपने आयन तोड़ दे, यानी कि वो कहता है पानी में डलते कहते हैं H+ टूटो टूटो अलग निकलो, ठीक है। जो एसिड पानी में जाते ही पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन को छोड़ दे, जाओ जा सिमरन जा, ठीक है, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, सोच समझ के यार थोड़ा सा थोड़ी सी एच कर लो, थोड़ा सा फ्री कर देते हैं, वो होते हैं वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल आ गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और भी मैं करवाऊंगी आगे, हम बताऊंगी सबके बारे में। और वीक एसिड हो गए जो हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में होते हैं, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक में होता है, ये सब वीक एसिड हो गए। उसके बाद दो वर्ड्स और यूज होते हैं, ऑक्सी एसिड और हाइड्रो एसिड, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, वो ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, ठीक है, और वो होते हैं ऑक्सी एसिड, और जो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, जैसे कि HCl, HBr, HCN, इनके अंदर इन्हें हाइड्रो एसिड कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक हो गया, नाइट्रिक हो गया, ये सब क्या है,
ऑक्सी एसिड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है. लेकिन अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन का एसिड हो गया, साइनाइड का एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, इन सब के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हाइड्रो एसिड हो गया. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ वीक एसिड के ऊपर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले आता है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH. क्या होता है? लिख रही हूँ. देखो, एसिटिक, एसिड का मतलब होता है दो कार्बन. तो CH3 एक कार्बन हो गया, एक और आ गया ये ना CO. अरे यार, ये जो O COOH ग्रुप होता है ना, ये एसिड का ग्रुप होता है. तो एसिडिक एसिड किसमें होता है? विनेगर यानी कि सिरका में होता है. सिरका कहाँ पे होता है? सिरका हम चाउमीन वगैरह में, ठीक है, यूज करते हैं, नूडल्स बनाने में यूज करते हैं, अचार वगैरह में भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं भाई? दूध को फाड़ के पनीर बनाने में यूज कर लेते हैं सिरका. ठीक है, विनेगर खट्टा खट्टा होता है, खट्टी चीजों को खटास देने में काम आता है. उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड होता है एक कार्बन के अंदर. तो इसका फॉर्मूला होता है HCOOH. एक ही कार्बन वाला है फॉर्मिक एसिड. इसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं. एसिडिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं. क्या कहते हैं एसिडिक एसिड को? एसिडिक एसिड को बोलते हैं इथेनोइक एसिड. ठीक है, और फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं मिथेनोइक एसिड. तो क्वेश्चन आ जाता है, लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में कौन सा? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है. ठीक है, एंड स्टिंग, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है. फिर आता है एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड हमारे विटामिन सी का भी नाम होता है. ये ग्वावा यानी कि अमरूद में पाया जाता है. सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड हमारे खट्टे सब्जियों में, यानी कि लेमन में, ऑरेंज में, ठीक है, या फिर अदर सिट्रस फूड, यानी खट्टे खट्टे फलों में मिलता है ये सब सिट्रिक एसिड. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ेंगे तो मैलिक एसिड पे आता है. मैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नया नया आया है ये. मैलिक एसिड में एप्पल में पाया जाता है. ग्लूटामिक एसिड गेहूं यानी कि व्हीट में पाया जाता है. फिर मुझे थोड़ा सा साइड में हटा देती हूँ मैं. लैक्टिक एसिड होता है हमारे खट्टे दूध में, दही में, पनीर में. ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है. इसके अलावा याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ऑक्सीजन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल पेन होती है. तो लैक्टिक एसिड हमारी मसल स्मूथ बनता है. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको लोगों को लग रहा है कि मेरी स्पीड जो है वो ज्यादा है इन क्लासेस में, तो भाई ये ज्यादा स्पीड के लिए बनाई गई है क्लासेस. तो आई होप यू कैन मैनेज. ठीक है, स्पीड ज्यादा रखनी जरूरी है. अगर आपको फिर भी ज्यादा स्पीड रखनी है, तो ऊपर ना यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड को कम या ज्यादा करने का. आई होप आप लोग बाकी वीडियो तेज करके देखते होंगे, इसे स्लो करके देख लेना. ठीक है, टैनिक एसिड जो होता है वो चाय में मिलता है. आपने सुना है सुबह सुबह जो खाली उठते ही चाय पी लेता है, उसे कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, गैस बन गई. ठीक है, तो वो जो एसिडिटी हो जाती है वो क्यों हो जाती है? क्योंकि चाय में टैनिक एसिड होता है, उसी से हो जाती है. लेकिन अगर उसी चाय के साथ आप बिस्किट खा लो या कोई ब्रेड खा लो, मतलब सुबह उठ के चाय के साथ कुछ भी खा लो, तो वो एसिडिटी नहीं होती, क्योंकि फिर वो टैनिक एसिड अकेला काम नहीं करता है. ठीक है, और आप जानते हैं पेट में पहले से HCl होता है. ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में होता है. ठीक है, टमाटर में, पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है. जिनके पथरी होती है उसे ऑक्सैलिक एसिड खाने से मना किया जाता है. टमाटर पालक खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है? बॉडी में पड़े कैल्शियम के साथ कंबाइन करके पथरी बना देता है, यानी कैल्शियम ऑक्सैलेट बना देता है, जो कि स्टोन होते हैं, पथरी होती है. टार्ट्रिक एसिड इमली में पाई जाती है. टैमरिंड यानी इमली, ग्रेप्स यानी अंगूर. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर. दोबारा से सुन लो वीक एसिड के बारे में. वीक एसिड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है एसिटिक एसिड, जिसे इथेनोइक एसिड बोलते हैं विनेगर में, सिरके में. मिथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं हमारी लाल चींटी के डंक में, हमारी नहीं है, लाल चींटी के डंक में. एस्कॉर्बिक एसिड अमरूद में. सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज और दूसरे खट्टे फलों में. मैलिक एसिड सेब में. ग्लूटामिक एसिड बीट यानी गेहूं में. लैक्टिक एसिड दूध, दही में. और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवश्वसन की प्रक्रिया के दौरान हमारी मांसपेशियों में. टैनिक एसिड चाय में. ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में, पालक में. टार्ट्रिक एसिड इमली में और ग्रेप्स में. अमीनो एसिड किसमें? आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे अमीनो एसिड कहाँ पर मिलता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं हम, अच्छा इनके बारे में थोड़ा बताया हुआ है. सिट्रिक एसिड क्या होता है भाई? फ्लेवरिंग एजेंट होता है, यानी कि खट्टापन. ऑब्वियसली अगर हम कोई सब्जी बनाई उसमें नींबू छिड़क दिया तो खट्टा खट्टा हो जाएगा, है ना. सलाद काटी उसमें नींबू छिड़क दिया, खट्टा खट्टा हो जाएगा. तो सिट्रिक एसिड क्या करता है? फ्लेवर देता है एक तरीके से. ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड, यानी कि फूड को थोड़ा लंबा तक चलाने में मदद करता है. एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है इसमें. बोन मैरो स्कर्वी को ठीक करता है एस्कॉर्बिक एसिड. देखो, जिसको भी स्कर्वी होती है, ठीक है, स्कर्वी डिजीज होती है, जो विटामिन सी की कमी से होती है, उनको उस विटामिन सी खाने के लिए दिया जाता है. एसिटिक एसिड अचार में, चटनी में डलता है. सिरका मैंने आपको बताई दिया. टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है. आगे हम पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर जब बनता है ना, उसमें टार्ट्रिक एसिड डलता है. बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्यों अलग है? ठीक है, बेकिंग सोडा में जब टार्ट्रिक एसिड डाल दिया जाएगा वो बेकिंग पाउडर बन जाता है. ये बातें हम आगे करेंगे. ठीक है, मुझे नहीं लगता आज क्लास में हो पाएगी, बट
आगे करेंगे डेफिनेटली, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड पे आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई? HCl, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है भाई, बताएगा कोई मुझे? बहुत बार बताया मैंने आप लोगों को, अब इसको आंसर आ जाना चाहिए, म्यूरिएटिक एसिड इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद HCl कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारे गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारे पेट में जो जूस निकलता है ना उसमें पाया जाता है, डाइजेशन में मदद करता है। एक्चुअली डाइजेशन में मदद नहीं करता, ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं ना उसमें कोई भी जर्म्स, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसे मार देता है ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा, हमारे पेट में एक सोया हुआ एंजाइम होता है जिसे पेप्सिनोजन बोलते हैं, ये उसे जगाता है कि भाई उठ और प्रोटीन को पचा, क्योंकि पेप्सिनोजन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, ठीक है। तो HCl हमारे पेट में दो काम करता है, कीड़े वगैरह को मारना, कीड़े नहीं बोलूंगी मैं, माइक्रोब को मारना, और साथ ही साथ हमारे पेट के अंदर जो होती है पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम जो कि प्रोटीन को पचाता है उसको जगाने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि हम सो जाए तो हमें उठाते हैं मम्मी की उठ और काम कर, बिल्कुल वैसे ही ये HCl जो है वो मम्मी है पेप्सिनोजन की, और उसे उठाती है और फिर सुंदर सुंदर तैयार करके उसे पेप्सिन बना देती है, ठीक है। ज्यादा डीप हो गया, एज अ बाथरूम क्लीनर की तरह आप सुना है तेजाब, ठीक है, तेजाब सुना आप लोगों ने, तो वहां पर भी HCl का यूज किया जाता है बाथरूम साफ करने में, ठीक है। कई बार लोग बोल देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में तेजाब होता है, उसका मतलब क्या है, देखो कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है आप जानते हो, ठीक है, अभी मैं आगे बता दूंगी, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो वो इसके जनरली तेजाब बोल दिया जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक, चलो छोड़ो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी क्या होती है, पीवीसी के पाइप पे आती है, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो कि पीवीसी की पाइप बनाती है, ठीक है, तो उसके अंदर HCl यूज होता है उसको बनाने में। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जहां पर भी नाइट्रोजन दिखे ना वो हमारे फर्टिलाइजर्स में यानी उर्वरकों में काम आता है, ये बात तो आप गांठ मार दो, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पौधे होते हैं ना उन्हें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए होती है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जहां पर भी दिखे ना वो फर्टिलाइजर में काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर में काम आती है, उसके अलावा ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड रेटेनिंग रेन वाटर, जो एसिड रेन होती है ना, जब एसिड रेन तो वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से होती है, तो ये वही बोल रहा है कि रेन वाटर में होती है, ताजमहल पीला पड़ गया था उसी की वजह से, ठीक है, नाइट्रिक एसिड महान, ये महान नाइट्रिक एसिड जी ताजमहल पे गिर गए जिस वजह से वो पीला पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोम्स नाइट्रेट इन द ऑयल विच आर यूज बाय द प्लांट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, अगेन वही बात आ जाती है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, ठीक है। एक्सप्लोसिव बनाने में यानी कि जो विस्फोटक होते हैं, बम वगैरह होते हैं ना, डायनामाइट्स होती है, टीएनटी होते हैं, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, इनको बनाने में काम आती है, ठीक है। टीएनटी की फुल फॉर्म मैंने वैसे बोल दी है, लेकिन आप लोग कमेंट में मुझे बता के जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आ गया हमारा, H2SO4, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि थोथे का तेल, और किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे फलों का राजा आम है, ठीक है, उसी तरीके से अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इलायची क्या होती है, किसकी रानी या राजा होती है इलायची, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ मिलती है, तो हमारी बैटरियों में मिलता है, कार की बैटरियों में और जो इन्वर्टर की बैटरियां होती है उनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फर्टिलाइजर्स में, पेंट में, पिगमेंट्स में, डिटर्जेंट्स में डलता है ये, आर्टिफिशियल जो फाइबर बनते हैं रेयॉन वगैरह उसमें डलता है ये, और HCl और एलम बनाने में काम आता है। भाई HCl क्या चीज है आप जानते हो, एलम क्या चीज है आगे आप जान लोगे, फिटकरी जिसे बोल देते हैं वो एलम होती है, ठीक है। जो जो मेल्स होते हैं वो अपनी दाढ़ी वाड़ी के बाल लगाते हैं, वो फिटकरी जो होती है एलम होती है, ठीक है। K2SO4 कुछ उसका फॉर्मूला होता है, आगे हम पढ़ेंगे। फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4, ठीक है, अगेन मैंने आपको बोला ना, जहां पर पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दिखे वहां पर फर्टिलाइजर लगा देना, तो फॉस्फोरस दिख गया तो फर्टिलाइजर में डलेगा, डिटर्जेंट में डलेगा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो खट्टापन आता है ना, कोल्ड ड्रिंक खट्टी खट्टी होती है थोड़ी सी नमकीन नमकीन सी, वो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के बारे में एक ही चीज याद रखना, मेन दो H3BO3 है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फॉर्मूला, H2BO3 है या H3BO3 है, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी, एक बार मत लिखो, ठीक है। मैं यार बहुत बार ऐसी ये जरूर बोलती हूँ, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे जो ग्लास होते हैं ना शीशे, मतलब स्पेक्स होते हैं, ग्लेजेस, गॉगल्स होते हैं हमारे दांत की इनेमल्स में, लेदर में, पेपर एडहेसिव यानी पेपर को चिपकाने वाले ग्लू वगैरह जो होती है उसमें, एक्सप्लोसिव में यूज होता है, ठीक है। मेनली आपको याद रखना, देखो डिटर्जेंट में भी है लेकिन मेनली आपको याद रखना है आई वॉश में यूज होता है, आंखें धोने की जो दवाइयां होती है या फिर कुछ भी होता है ना उसमें इस्तेमाल होता है बोरिक एसिड, ठीक है। ये था हमारा एसिड, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, क्या इतना इनफ है आज की क्लास के लिए, लेट मी चेक, मुझे पता लग गया, यहाँ पे कहीं से भी बताने लगा,
ओके आई थिंक ना आज क्लास में एफईडी रखते हैं, पता क्या है क्योंकि बेस में करवा तो दूं आज क्लास में कवर भी हो जाएगा, बट बेटर ये रहेगा कि हम क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आज की क्लास में एफईड करके कल हम एफईड के क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, फिर बेस करके फिर बेस के क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, और साल्ट करके सॉल्ट के क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इससे डिफरेंस करके करें तो ये अच्छा है। पीएच भी बाकी है और इंडिकेटर भी बाकी है, तो ऐसा करते हैं एसिड और इंडिकेटर इकट्ठे ले लेंगे, पीएच और बेस इकट्ठे ले लेंगे, और जो हमारे सोल्ट है इकट्ठे ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम सेपरेटली हम क्वेश्चन कर रहे हैं इकट्ठे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो टेंशन मत लो, इकट्ठे की फ्री अलग से चलेगी भाई, इसमें रिस्पॉन्स दो आपको सब कुछ करवाया जाएगा, टेंशन मेरी है, साइंस की टेंशन मेरी है, ठीक है। आप लोगों की टेंशन आप लोगों की भी है, आप लोगों को पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं पढ़ाने के अकॉर्डिंग तैयारी करूंगी, आप पढ़ने के अकॉर्डिंग तैयारी करें, बस अपनी कॉपी पेन लेकर बैठा करो, नोट्स बनाया करो, साथ साथ में जो डाउट हुए उसी टाइम लिख लिया करो, और बाद में वो कमेंट में लिख दिया करो। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है आपका, आप वहां पर लिख सकते हो, टेलीग्राम पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी हम पढ़ रहे हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जाते जाते कर जाना, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को जो कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज कर लेना, ताकि कल फिर आपको मेरी शक्ल देखने को मिल जाए और पढ़ने को मिल जाए साइंस। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।